So hi, good morning everyone. Sadhguru, good morning. Say good morning. Good morning. So yes guys, good morning everyone. So आज है कुछ special day और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए. And कुछ special है, ईशान का birthday है, फिर अमृता दीदी का बर्थडे है, एंड देन उसके बाद ध्रुवी का बर्थडे है. तो वन डे टूर के लिए हम लोग जा रहे हैं. कहाँ पे जा रहे हैं सरप्राइज है, एंड देन उसके बाद हम लोग बहुत धमाल करने वाले हैं, बहुत मज़ा करने वाले हैं, बहुत एडवेंचरियस गेम खेलने वाले हैं. तो बस अभी मॉर्निंग हो रही है, 8 बज रहे हैं अभी, एंड बस हम लोग निकल रहे हैं. बहुत ठंडी है यहाँ पे सच में, और हम लोग इसको पूरा अच्छे से स्वेटर वगैरह पहनाएंगे, अच्छे से इसको तैयार करेंगे. ये सुनती नहीं है क्योंकि इसको न्यू ड्रेस सबको दिखाना रहता है. सो यस ध्रुवी, कहाँ पे जा रहे हैं अपन, कुठे चाललो है, कुठे चाललो है? यस, फिरायला चाललो अपन. कुठे चाललो है? गाडी भूर है ना. तू राहते का इकडे? तो उसको हम लोग कभी कभी चिढ़ाते कि ठीक है तो घर पे रह जा, हम लोग चले चले जाते हैं सब लोग. तो बस अभी उसको हम लोग लेके थोड़ा सा मज़ा हम लोग करने वाले हैं, एंड हम लोग निकल रहे हैं अभी बस 5 से 10 मिनट में. सो गाइज, लेट्स गो एंड एंजॉय. सो वी आर इन द चोंदे फार्म, जो मैंने आपको बताया था कि सरप्राइज है, एंड अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. सो उसके बाद का तो आपको पता ही है, यही सरप्राइज था आपके लिए. ये बहुत नज़दीक है पुणे के, बस आधे से पौन घंटा यहाँ पे लगता है आने के लिए. एंड प्लेस इज ब्यूटिफुल, बहुत बड़ी प्लेस है, एंड बहुत हम लोग इंजॉय करने वाले हैं. सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं, एंड यस अभी ऑफकोर्स हम लोग पहले ब्रेकफास्ट करेंगे सब लोग, एंड देन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट अ बर्थडे, क्योंकि अमृता दीदी का बर्थडे जैसे मैंने आपको बताया 26 को. देन वी हैव अ ईशान्स बर्थडे, ईशान का बर्थडे हो गया है 13 जनवरी को, एंड ध्रुवी का बर्थडे है. तो बस हम लोगों ने अभी केक लाया है, वो अभी हम लोग कट करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे गेम्स वगैरह खेलने के लिए, घूमेंगे बहुत सारा. सो गाइज, यहाँ से होता है स्टार्ट हमारा इंजॉय. सो मज़ा करेंगे, रिलैक्स करेंगे, बहुत कुछ करेंगे. सो लेट्स गो. हैप्पी बर्थडे 3 in 1.
सब कुछ एडवेंचरियस गेम्स हम लोग खेल के आए हैं, और ज़्यादा तो ईशान मम्मी और पप्पा, मतलब उन्होंने दो तीन ही खेले, लेकिन पूरे गेम्स एक ही खेला है, लेकिन ईशान ने और मम्मी ने पूरे सब एडवेंचरियस गेम्स को पूरा किया एंड बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। अभी हम लोग आए हैं लंच करने के लिए, एंड लंच करने के बाद हम लोग इंडोर गेम्स खेलेंगे एंड देन रेन डांस एंड स्विमिंग हम लोग करने वाले हैं। इसने साइकिल ट्राई किया लेकिन इसको नहीं आया, लंच करेंगे और जाएंगे स्विमिंग और रेन डांस के लिए, एंड देन उसके बाद हमारा इंडोर गेम्स है, देन उसके बाद हुटा पार्टी है, एंड देन एट 6 o'clock चेकआउट। सो बस इसके बाद भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। Oh, damn, love.
माय सेल्फ दिशा, तो हम सब लोग पूरी फैमिली के साथ आए थे चौंदे फार्म्स में। तो हम लोगों ने आज बहुत इंजॉय किया, आज बहुत सुबह से लेके शाम तक हमारा आज पूरा दिन कैसे निकल गया, पूरे सारे हम लोगों ने एडवेंचरियस गेम्स खेले, इंडोर गेम्स खेले, देन उसके बाद शाम को हम लोगों ने हुड्डा पार्टी किया एंड लंच एंड ब्रेकफास्ट तो इनका बहुत ही ऑसम था। मैंने तो ज़्यादा तो स्विमिंग पूल में और रेन डांस में बहुत 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 इंजॉय किया। तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप एक बार तो यहाँ पे विजिट कीजिए और इन सब का मज़ा लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू सो मच। सो अभी हमारे साथ है, ये है हमारे मैनेजर, मतलब ये सब कोऑर्डिनेट वगैरह करते हैं हमारे साथ, एंड ये है एडवेंचरियस ट्रेनर, तो इनके साथ हम लोग थोड़ा सा बातचीत करने वाले हैं। सो ये हमको थोड़ा सा गाइड करेंगे कि ये फार्म हाउस के कैसा है, क्या है, तो ये सब हम लोगों को बताएंगे। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं इनके साथ। माझं नाव धनंजय नागरगोजे, मी इथं रिलेशनशिप एक्झिक्युटिव्ह आहे आणि आपल्यासोबत आहेत गणेश चिंतलवार, हे ॲडव्हेंचर ट्रेनर आहेत आपले। ओके, माझं नाव गणेश आहे, मी इथलं चौंदे फार्ममधला ॲडव्हेंचर ट्रेनर आहे। मी तुम्हाला काही ॲक्टिव्हिटीबद्दल वगैरे सांगणार आहे। स्टार्टिंग आपण सेफ्टीबद्दल वगैरे सांगणार आहे। इथं भरपूर सेफ्टी आहे, काही घाबरायची काही गरज नाही आहे। आता काही ॲक्टिव्हिटीबद्दल सांगणार आहे। इथं टायर क्लाइम्बिंग आहे, वॉल क्लाइम्बिंग आहे, हाय रोप कोर्सेस आहे, सायकलिंग आहे, झिपलाईन आहे, 360 सायकल आहे, किड्स झिपलाईन आहे, परत इनडोर आउटडोर भरपूरशी गेम असे आहेत। तुम्ही इथं आल्यानंतर भरपूर एन्जॉय करू शकता। तर यानंतरची माहिती धनंजय सर देतील तुम्हाला। येस, जसं की सरांनी सांगितलं, आपल्याकडे ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज आहेत, रोपवे आहे, त्यानंतरनं रोप सायकलिंग आहे, नेट क्लाइम्बिंग आहे, त्यानंतरनं वॉल क्लाइम्बिंग आहे, टायर क्लाइम्बिंग आहे, आपल्याकडे लोअर रोप कोर्सेस आहेत, हायर रोप कोर्सेस आहेत, त्यानंतरनं आपल्याकडे पूर्णपणे 360 डिग्री सायकल आहे आणि फ्री सायकल्स देखील आहेत। त्यानंतरनं आपल्याकडे स्विमिंग पूल, रेन डान्स आहे, किड्स पूल वेगळा आहे, त्यामध्ये बोटिंग्स आहेत, नॉर्मली बॉल्स वगैरे आहेत, रेन डान्स विथ म्युझिक आहे आपल्याकडे। त्यानंतरनं आपल्याकडे स्टेज फॅसिलिटीजसुद्धा अवेलेबल आहेत, आपल्याकडे टेंट्स आहेत, त्यानंतरनं नॉर्मल एसी रूम्स आहेत, जसं की माझ्या मागे बघताय हे आपले डिलक्स एसी रूम्स आहेत। त्यानंतरनं डॉर्मिटरी देखील आहे, जर इनकेस आपल्याला वाटलं की फॅमिलीला एकत्र राहायचं आहे तर आपल्याकडे 10 to 12 पीपल्स एका रूममध्ये अकोमोडेट होतील अशा डॉर्मिटरीज अवेलेबल आहेत। त्यामध्ये आपले पॅकेजेस असे असतील की जे आपल्याकडे डॉर्मिटरी आहे त्याचं 1800 पर पर्सन आहे, त्यामध्ये आत्ता वेगळेसाठी ऑफर चालू आहे, आपल्याकडे 10% कन्सेशन आहे ऑल रूम्स बुकिंगसाठी। त्यानंतरनं ज्या रेग्युलर ए सी रूम्स आहेत त्याचं आहे 2500 पर पर्सन, आणि डिलक्स रूम जे आहेत त्याचं आहे 3200 पर पर्सन। थँक्यू। आणि जे आपलं डे शेड्यूल आहे त्यामध्ये आपले 1000 पर पर्सन आहे, त्यातही वीकडेज जे आहेत आपले, वीकडेजला 10% ऑफ चालू आहे आपल्याकडे। त्यामध्ये आपलं जे पूर्ण शेड्यूल आहे असं आहे की फर्स्ट आपण ब्रेकफास्ट आहे 9:30 to 10:30, 10:30 to 1:30 आपल्या ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटीज आहे। ॲडव्हेंचर ॲक्टिव्हिटी झाल्यावरती 1:30 ते 2 आपला लंच टाईम असतो, 2:30 ते 3 हा तुमच्याकडे रेस्टिंग टाईम, अथवा इनडोर गेम्स आहेत आपल्याकडे, टेबल टेनिस आहे, बॅडमिंटन आहे, स्नूकर आहे, किंवा किड्स झोन आहे, किड्स खेळू शकतात, रायफल शूटिंग, आर्चरी अवेलेबल आहे आपल्याकडे। त्यानंतरनं आपण 3 to 4:30 स्विमिंग पूल प्लस रेन डान्स विथ म्युझिक करतो। स्विमिंग पूलसाठी कॉस्ट्युम्स कंपल्सरी आहेत, आपण कॅरी केले तरी बेस्ट आहेत, नाहीतर आपल्याकडे रेंटल बेसिसवरती अवेलेबल आहे। त्यानंतरनं आपलं बॉडी झॉर्बिंग गेम आहे, ट्रॅक्टर राईड देखील आपण देतो, पूर्ण ओव्हरऑल फार्मचं आपण ट्रॅक्टर राईड करतो। त्यानंतरनं लास्ट ऑफ द बेस्ट हुड्डा पार्टी सध्या ॲक्टिवेटेड आहे आपल्याकडे, नक्कीच एकदा विजिट करा, आपल्याला नक्कीच आवडेल। थँक्यू। ओके, थँक्यू सर फॉर द इन्फॉर्मेशन।